बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर अगेन हियर फॉर अ न्यू टॉपिक. लास्ट वी वर डिस्कसिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन विच वी डिड द लाइटिक साइकिल एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द लाइसोजेनिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल इज अ काइंड ऑफ साइकिल विच इज़ अ होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप. होस्ट guest relationship. All bacteriophages do not cause lysis of bacterium. In lysogenic cycle, the phage does not destroy the host cell. In fact, both phages and host cell live together in a peace coexistence. Therefore, such relationship is called host guest relationship and phage called temperate. लाइसोजेनिक साइकिल ऐसी साइकिल है कि जिसमें जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं उसमें लाइसिस का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, स्टेप नहीं होता. लाइक इसमें जो वॉल ऑफ द बैक्टीरियोफेज है वो ब्रस्ट नहीं होती. इसमें वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों कोऑपरेशन के साथ एक ही बैक्टीरियोफेज में रहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेम्परेट. इन लाइसोजेनिक साइकिल फर्स्ट टू स्टेप्स अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन आर सिमिलर इन लाइटिक. नाउ इन दिस लाइसोजेनिक साइकिल टू प्रोसेसेस और टू स्टेप्स फ्रॉम द लाइटिक साइकिल एग्जिस्ट हेयर. दोनों प्रोसेस या दोनों स्टेप्स जो उसके हैं लाइटिक साइकिल के वो स्टार्ट्स में वही होंगे. अटैचमेंट भी वैसे ही होगी और उसके बाद पेनीट्रेशन भी वैसे ही होगी. अटैचमेंट भी होगी और पेनीट्रेशन भी होगी दोनों की. After penetration into host, instead of taking over the control of biosynthetic machinery of the host, DNA of phage is incorporated to the bacterial chromosomes. Now the DNA of the phage is called prophage and this process is called as lysogeny. Attachment hogi virus ki, uske baad DNA ki penetration hogi. ठीक है, विद अ होस्ट. और यहाँ आने के बाद थर्ड स्टेप में, इन द थर्ड स्टेप, जैसे लाइटिक साइकिल में वायरस ने पूरा कंट्रोल ले लिया था अंदर की मशीनरी का, किसकी मशीनरी का, बैक्टीरिया की जो वर्किंग मशीनरी है दैट इज़ द डीएनए, उस पर पूरा होल्ड ले लिया था. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर दोनों मिलके इस तरीके से काम करेंगे और इसको हम, नाउ द डीएनए फेज इज कॉल्ड एज प्रोफेज. अब जो ये डीएनए फेज है इसे हम कहेंगे प्रोफेज एंड इस प्रोसेस को हम कहेंगे लाइसोगेनी. द वायरल डीएनए रिमेन्स अटैच्ड. इन दिस कंडीशन बैक्टीरियम डज नॉट लाइस बट लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली. अब यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मली जिस तरह से एक बैक्टीरिया रहता है उसी तरह रहेगा, बट नॉट वर्क एज प्रॉपरली एज इट कैन. द वायरल डी एन ए रिमेन्स अटैच टू द बैक्टीरियम एंड रेप्लीकेट्स एज बैक्टेरियल क्रोमोसोम्स रेप्लीकेट्स. जैसे बैक्टीरिया का क्रोमोसोम रेप्लीकेट करता जाएगा ये भी रेप्लीकेट करता जाएगा. इस तरीके से दोनों मिल के रेप्लीकेशंस करते रहेंगे. दिस मे कंटिन्यू फॉर मैनी जेनरेशन्स अंटिल द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन टेक्स प्लेस. ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इंडक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा. इन दिस वे द वायरल डी एन ए डी अटैचेज फ्रॉम बैक्टेरियल क्रोमोसोम्स एंड स्टार्ट लाइटिक साइकिल अगेन. और जब ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनकी दोस्ती रहेगी और अदरवाइज फिर वो उसी तरीके से बैक्टेरिया उसकी वॉल्स ब्रेक करेगा और फिर वहाँ से अटैचमेंट जो उसकी हुई थी उसी से लाइसोसोम्स के जरिए वहाँ से बाहर चला जाएगा. तो इन लाइसोजेनिक साइकिल ये मैंने आपको सारा बता दिया, अगला पूरा स्टेप इसका वही रहेगा. डायग्राम को देखते हैं, फर्स्ट ऊपर आ जाएं फिगर 5.4 में.
लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ फेज, सबसे पहले एड्सॉर्प्शन और टू टारगेट सेल हुआ है, ठीक है, देन इंजेक्शन ऑफ डीएनए, इंजेक्ट किया, नंबर 3 डीएनए सर्कुलेट हो रहा है, नंबर 4 बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होगी कि जब एसेक्सुअली एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा बैक्टीरिया ही डिवाइड हो गया है, यहाँ पर सिर्फ वायरस डिवाइड नहीं हुआ, पूरा जो नेक्स्ट बैक्टीरिया डिवाइड होता है लाइक इस तरह से, ये बैक्टीरिया ही दो में डिवाइड हो गया है, और जब ये दो में डिवाइड हुआ है तो इसके साथ वो वायरस भी ही डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट 4th स्टेप में आप देखें, एस्केप ऑफ फेज प्रोगेनेसी, प्रोगेनेसी हो रही है, उसमें से वो बाहर जा रहा है, होस्ट सेल लाइसिस दोनों मिलके रह रहे हैं, असेंबली ऑफ द फेज, अब फेज टूट रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स टूट रहे हैं, और टूटने के बाद दोबारा ये प्रोसेस लाइटिक साइकिल के पास आ जाता है, जहाँ से लास्ट प्रोसेस था कि वो उसे छोड़ देता है। ये आपका लाइसोजेनिक साइकिल था, ठीक है। अब इसके हम यूसेज ऑफ बैक्टीरियोफेज पढ़ते हैं कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेक्टर्स अलोंग विद प्लाज्मिड्स। जेनेटिक्स एज वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल यूज एज अ व्हीकल ऑफ आर्टिफिशली कैरिंग फॉरन जेनेटिक मटीरियल इन टू अनदर सेल वेयर इट कैन बी रेप्लीकेटेड एंड एक्सप्रेस्ड। कभी कभी केसेस में जैसे हम क्लोनिंग वगैरह का देखते हैं, उसमें भी यही होता है कि हम किसी एक का डीएनए उठा के दूसरे में इंजेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर उसके करेक्टरिस्टिक्स शामिल हो जाते हैं। इस तरह वेक्टर क्वांटिटी में जब आप यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें हम एज अ वेक्टर इसका डीएनए लेते हैं और उसे उठा के हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करते हैं, और दोबारा वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। द बैक्टीरियोफेज वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लेमडा एंड दे मोर एफिशिएंट बैक्टीरियोमेज बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स। द फेज वेक्टर कैन कैरी लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यूजली 15-50 बेस पेयर्स। इसमें जो डीएनए टूटता है और जो उस क्रोमोसोम्स के साथ ही टूटता है, उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, यानी उसके डिफरेंट टुकड़े हो जाते हैं, और हर टुकड़े में डीएनए होता है, उसका एक पर्टिकुलर डीएनए भी होता है, और इसकी क्वांटिटी तकरीबन 15-50 होती है, 15-50 होती है। द एंजाइम्स ऑफ वायरसेस लाइक हॉलिन्स एंड लाइसेंस आर यूज टू डिग्रेड द बैक्टेरियल सेल वॉल एज बैक्टेरियोफेज हैव बीन प्रपोज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स फॉर मैनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टेरियल स्टेन्स। अब क्या होता है कि जो आप स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, और जो है बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं कि जो बॉडी में पहले से बैक्टीरिया काम कर रहा है, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए उसे भी किसी बैक्टीरिया से ही ख़त्म किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कर्ड या योगर्ट, दही, दही जो है वो एक उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया होता है। क्यों होता है? बिकॉज जब मिल्क होता है, मिल्क में आप थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालते हो, एसिटिक एसिड किस में होता है? लेमन में। जब आप थोड़ा सा लेमन उसमें डालते हो तो वो फट जाता है, यानी दूध ख़राब हो जाता है, एंड इट विल चेंज इन टू द योगर्ट, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब जिसको डायरिया होता है तो दैट पर्सन विल टेक दैट योगर्ट, जिसको डायरिया होता है तो वो दही वगैरह खाता है, और वो दही का जो बैक्टीरिया है जो दही के अंदर है, वो जाके अंदर जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद है जो कि डायरिया का सबब बन रहा है और जो बॉडी में जो है वो फ्लक्चुएशंस कर रहा है, तो उसको जाके ख़त्म करने के लिए हम दूसरे बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, और वो जाके उस बैक्टीरिया के साथ एज एन एंटीबॉडी काम करता है और उसे ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए वायरसेस और बैक्टीरियाज जो है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। वायरसेस तो खैर यूज़फुल नहीं होते, वायरसेस तो सिर्फ बीमारी लेकर आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल और यूज़फुल दोनों होते हैं, दोनों में आप देख सकते हैं। इन्फ्लुएंजा और फ्लू वायरस, इसमें हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा नज़ला ज़ुकाम हो जाना, छींके आना, इसके अलावा सर में दर्द होना या फ्लू हो जाना, इसके वायरस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ एन आर एन ए इन्वेलप्ड वायरस, पहले आपको बता चुके हैं कि आर एन ए वायरस इन्वेलप्ड की तरह का होता है। बिलोंग्स टू द फैमिली ऑर्थोमाइक्सो वायरसेस, इट इंक्लूड्स 7 जेनरा, इसके अंदर एटलीस्ट 7 जेनरेशन होती हैं, बट आउट ऑफ 7 3 जेनरा यूजली कॉजेज इन्फ्लुएंस इन मैन।
जिसमें से उन 7 में से जो 3 हैं वो इंसान के अंदर इन्फ्लुएंजा कॉज करती हैं, एंड सम अदर वर्टिब्रेट्स, और कुछ अदर वर्टिब्रेट्स भी होते हैं. सिर्फ वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स हैव विच ऑर्गेनिज्म विच हैव देयर बैकबोन, जिनकी बैकबोन होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनकी बैकबोन नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो अब ये आपसे क्या कह रहे हैं कि जो आरएनए इन्वेलप्ड बैक्टीरिया है वो इसमें एट लीस्ट 7 फैमिलीज में मौजूद होता है, जिसमें से टोटल 3 फैमिलीज जो है वो ह्यूमन को एज अ इन्फेक्ट करती हैं, जिसमें उसमें इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी में होती है और कुछ वर्टिब्रेट्स में. These 3 genera are influenza virus A, influenza virus B and influenza virus C. तो ये influenza virus में जो वो diseases आ रही हैं उसमें influenza virus A है, वायरस बी है एंड वायरस सी है. ईच जीन्स इंक्लूडेड ओनली 1 स्पीशीज, हर जीन में टोटल 1 स्पीशीज है, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा ए बी एंड सी. हर जीन में है इन्फ्लुएंजा ई, लेकिन उसको कैरेक्टराइज्ड कर दिया गया है इनटू 3 स्पीशीज, नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी वायरसेस. द इन्फ्लुएंजा ए एंड सी कॉजेज इन्फेक्शंस इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स. जो ए और बी सी वायरसेस हैं, ए और सी, वो जो वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर इन्फ्लुएंजा को इंजेक्ट करते हैं, बट इन्फ्लुएंजा बी ऑलमोस्ट एग्जिक्टिवली एक्सक्लूसिवली इन्फेक्ट ह्यूमन. और इन्फ्लुएंजा बी जो है वो किसको इफेक्ट करता है, ह्यूमंस को. ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा सी, इट ऑलवेज इफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स विच हैविंग वर्टिब्र कॉलम और वर्टिब्रेट्स. और इसमें जो इन्फ्लुएंजा बी है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉज करता है, कि ह्यूमन में जितना इन्फ्लुएंजा की जो जर्म्स आते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द वायरस इन्फ्लुएंजा बी. वैक्सीन्स एंड ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन. मस्ट फ्लू वर्सेस डिवेलप resistance against these vaccines and drugs. Therefore, vaccines and drugs have to reformulated regularly. और कुछ medications जो है वो दी जाती हैं, drugs available हैं जो influenza की treatment करते हैं, और वो drugs जो है वो body में जाके फिर उसी तरह as a bacteria जो है उसका काम करते हैं, एंटीबॉडीज का, और वो जाके एंटी एजेंट्स का, तो वो जो बॉडी में जाके उस बीमारी को या उस influenza का जो वायरस है उसको ख़त्म करते हैं, और ह्यूमन बॉडी जो है वो हार्डली 1 वीक के बाद अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है. होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. और सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा अगर आप देख लें तो वो भी आपको एक की पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, कि इसमें आपको फीवर होता है, बुखार, शिवरिंग होती है, बॉडी आपकी कांपने लग जाती है, ड्राई कफ होती है, खुश्क खांसी होती है, चिल होती है, सर्दी भी लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, भूख नहीं लगती इसमें आपको, बॉडी एशेज होते हैं यानी कि आपको खुजली होती है, नोज़िया होता है, कभी आपको उल्टी आती है, और इरिटेशन इन द थ्रोट एंड नोज़ और गले में और नाक में ख़ारिश होती है. इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं इन्फ्लुएंजा के हैं. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में देन ह्यूमन अमाइनो डिफिशेंसी वायरस. अमाइनो डिफिशेंसी वायरस क्या है? HIV, जिसे आप एड्स भी कहते हैं. ठीक है, अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस, इस वायरस की जो एक तख्लीक है या ये जो वायरस है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वायरस, के अभी तक इसकी कोई भी मेडिकेशंस या ऐसी ड्रग्स सामने नहीं आई हैं जो इस वायरस को ख़त्म कर सकें. ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. HIV Human immunodeficiency virus HIV is an RNA enveloped virus. इसकी शेप अगर आप देखें तो वो आपको उसी वायरस की तरह लगेगी जैसे कि मैंने आपको envelope shape virus दिखाया था when we were studying the classification of the viruses. ये कुछ इस तरीके से होगा. It's spherical in shape. It is a retrovirus. इसे हम retrovirus कहते हैं. Retrovirus, that is, it can convert its RNA into DNA in host cell. क्या करता है? Convert करता है RNA to DNA. और कहाँ करता है? In the host cell. It causes required
इम्यूनोडेफिशिएंसी सिस्टम एड्स इन ह्यूमन, ठीक है, और ये ह्यूमन में एड्स इम्यूनोडेफिशिएंसी क्रिएट करता है, सिंड्रोम्स इन ह्यूमन्स. इट बिलोंग्स टू फैमिली रेट्रोवायरेडिया एंड जीन्स लेंटी वायरस, ठीक है. रेट्रोवायरेडिया फैमिली से बिलोंग करता है, और क्योंकि हर एक की फैमिली स्पीशीज और जीन्स ये सब आपको बताना पड़ता है, तो यहाँ पर जो ये है इसकी जो फैमिली है इट इज़ रेट्रोवायरेडिया एंड जीन्स लेंटी वायरस. स्ट्रक्चर ऑफ HIV. अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि HIV वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है. इट इज़ रफली स्फेरिकल इन शेप, अबाउट 120 नैनोमीटर इन डायामीटर. 120 नैनोमीटर इन डायामीटर. HIV कंसिस्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड्स या स्ट्रैंड्स ऑफ RNA इनक्लोज्ड बाय अ कॉनिकल कैप्सिड. ये एक कॉनिकल कैप्सिड होगा, ठीक है, और इसमें टू RNA हेलिकल्स मौजूद होंगे, कैप्सिड, ठीक है, कॉनिकल कैप्सिड. द कैप्सिड इज सराउंडेड बाय एन इनवेलप. ये जो कैप्सिड है इट इज सराउंडेड बाय एन इनवेलप. फाइन विद इट. द इनवेलप इज फॉर्म व्हेन द कैप्सिड बर्स ऑफ फ्रॉम होस्ट सेल. जब कैप्सिड बर्स होस्ट सेल को छोड़ती हैं तो ये इनवेलप बन जाता है, ठीक है. टेकिंग सम ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन विद इट. द इनवेलप कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू द एंट्रिंग ऑफ द होस्ट सेल. अब यहाँ पर दिस वन एक यहाँ पर है एंड दिस वन इट इज ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर. सेवरल एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोक्टेज एंड इंटरग्रेस आर ऑल्सो प्रेजेंट. डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स, दीज आर एंजाइम्स. एंड हेयर लाइक दिस, दीज आर द रिसेप्टर्स. द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ look at the structure of the virus. This is the structure of the human immunodeficiency virus. ठीक है, immunodeficiency virus. In the immunodeficiency virus, we have the structure like this. It is called as the retrovirus. It have a diameter of 120 nanometer. It is covered with an envelope. It have an RNA, two RNA present in the circle, and that circle is covered by a capsid. These structures, which are made up of some kind of proteins, are called as capsids. And on the capsids, there are some enzymes present on it. Then here it have some receptors which receive the different kind of syndromes, and this is the glycoprotein receptors. ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको ये सारा structure समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब structure समझ आ जाएगा तो आपके लिए उसका function या उसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है. अब ये आपको बता दिया कि how it is made up of. Now, discovery of HIV virus, ये कब discover हुआ था. सिर्फ diagram को जहन में रखें, आगे जाके हम इसको इसकी life cycle of HIV virus भी आपको इसी से समझाएंगे. HIV causes AIDS acquired
immunodeficiency syndrome. The HIV was first identified in 1984 in France and UNA. The name HIV, human immune deficiency virus, was given to the virus in 1986. Attacks on some special type of white blood cells that are macrophages and lymphocytes. These cells are known as T4 cells and are the primary host of HIV. So, in the discovery, you learn that HIV, that is called as acquired immunodeficiency syndrome, and it was identified firstly in France and USA. The name HIV stands for human immune deficiency viruses, and it was given the title in 1986 as HIV when it attacks to the special type of white blood cells. We have three types of blood cells: red blood cells, white blood cells, and platelets. So it attacks to the white blood cells of the body, and they are called as macrophages and lymphocytes. These cells are known as T4 cells. They are also called as the T4 cells and are the primary host of HIV, and they are the host on which the HIV attacks. Okay, white blood cells are the host on which the HIV virus attacks. Fine. Now the life cycle of it. The HIV has a glycoprotein receptor on its envelope. हम आपको बता चुके हैं कि इस पे एक glycoprotein envelope है जो कि आपके पास यहाँ पर है. ठीक है. While T4 cells have CD4 cluster of definitions. ठीक है. अब यहाँ पर white blood cells जो आपका होगा उसके ऊपर clusters बहुत सारे किस्म के जो है CD4 clusters उसे कहते हैं, जिसपे receptors हैं जो उस पर present होते हैं. During travelling in blood, HIV glycoprotein receptor sticks with T4 cells on CD4 protein receptors. आप नीचे आ जाएं ज़रा diagram पे, आप देखें कि ये आपका CD4 receptors लगे हुए हैं यहाँ पे, ये CD4 रिसेप्टर्स, और इनके ऊपर यहाँ पर आके इस वायरस ने अटैक किया यहाँ. ये है आपका WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. वंस HIV बाइंड टू द होस्ट सेल, द वायरस एनवेलप फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन. जब ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा तो ये जो आपकी वायरल प्रोटीन है ये इसके अंदर सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगी. द RNA एंड एंजाइम ऑफ द वायरस एंटर इन टू द होस्ट सेल. इसका जो RNA है जो यहाँ पर हमने आपको प्रेजेंट करवाया है, ये RNA इसमें इंजेक्ट हो जाएगा. Three types of enzymes, HIV, which comes into the host along with RNA, are reverse transcriptase, integrase, and protease. These reverse transcriptase converts viral RNA into DNA. ये इस viral RNA को convert कर देंगे into DNA. ठीक है, इसी virus के RNA को convert कर देंगे ये DNA में. The enzyme integrase then facilitate the delivery of viral DNA into the host cell. और इसी तरह से ये जो है इसकी जो integrase enzyme है वो इसकी इसको ज़्यादा facilitate करेगा कि ये DNA को जाके harm करे. The integrated DNA is not called as provirus. ये जो integrated DNA है जिसमें HIV वायरस ने आके अटैक किया और अपने RNA को इसके अंदर इंजेक्ट करके इसके RNA को कन्वर्ट कर दिया इंटू DNA, नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रो वायरस. वो क्या कहलाता था? प्रोफेज. ये क्या कहला रहा है? प्रो वायरस. Virus mRNA is transcribed into the host cell by host cell
पॉलीमर्स, ठीक है, इसमें पॉलीमर्स हैं जिसकी वजह से वो इसके अंदर से बिल्कुल धंस चुका है. दिस mRNA इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. नाउ दिस mRNA जो है ये प्रोटीन्स के साथ, यहाँ पर जो पहले से ऑलरेडी प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके साथ ट्रांसलेटेड हो जाएगा. दीज प्रोटीन्स आर लार्ज इन साइज विच आर देन क्लेवर्ड बाई द प्रोटेज एनजाइम्स टू फॉर्म विरोन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स. और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देखें कि ये आपका होस्ट सेल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट से इसमें एंटर हुए हैं, वायरल DNA मौजूद है, और जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिलने के बाद इन्होंने जो ट्रांसल्यूशंस की हैं उसमें ये DNA और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है. दस इम्यून दिस इमेच्योर वर्जन इज प्रोड्यूस विच इज़ बडेड ऑफ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. और ये इमेच्योर बन जाएगा जो कि इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर चला जाएगा. एज इट्स बर्ड्स ऑफ इट्स टेक द कवरिंग ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड बिकम्स मेच्योर इन्फेक्शन वायरस. और जब ये इधर से निकलेगा तो यहाँ पर ये एक मेच्योर वायरस की शक्ल ही इख्तियार कर लेगा इन द रेड ब्लड्स, इन द वाइट ब्लड सेल्स. A cell infected with the retrovirus did not necessarily lyse the cell when it replicates takes place. यहाँ पर ये जो है ये लाइसिस की तरह टूटेगा नहीं, लेकिन रेप्लीकेट ज़रूर हो जाएगा. इन द HIV इन्फेक्शन T4 सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, दस इम्यूनिटी इज़ डिक्रीज. यहाँ पर T4 सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा. एंड इट वॉज कॉल्ड SHIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस. और यहाँ पर ये पूरा वायरस जो है ये एज अ ह्यूमन डिफिशेंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस कहलाएगा. आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा. थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं बिकॉज हमारे पास जो है टॉपिक्स चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसको कोर्सेज को कंप्लीट भी करना है. कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके समझाऊँ ताकि आपको एटलीस्ट समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको समझाने के लिए, रिवीजन के लिए बता दूं कि ये जो वायरसेस है जब आते हैं यहाँ पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर जो डबल RNA होगा वो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डबल RNA है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू DNA. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पर ये है कि WBC का जो DNA है वो उसके साथ रेप्लिकेट हो जाएगा, वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा. तो ये यहाँ पे प्रो वायरस कहलाएगा. स्ट्रक्चर आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, स्ट्रक्चर को भी आप प्रैक्टिस करें वाइट बोर्ड पे, रफ कॉपी पे, जितने डायग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उतनी जो है डायग्राम्स जो है वो आपको पता है कि बायो के पेपर में इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपने डायग्राम्स पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है. आई थिंक आपको आज का टॉपिक भी समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद अ न्यू टॉपिक एंड वी विल इंशाल्लाह कंप्लीट दिस चैप्टर. थैंक यू.